प्यारे भाई और बहनों, वेलकम टू संडे रिफ्लेक्शन। आज के सुसमाचार में एक प्रश्न पूछा जाता है प्रभु के द्वारा। वह अपने शिष्यों से कहता है, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? और वो प्रभु को कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं तुम बहुत बड़े नबी हो, कुछ लोग कहते हैं तुम नबी एलियास हो, योहन बपतिस्ता हो। तब प्रभु दोबारा उनसे पूछते हैं, लेकिन आप मेरे बारे में क्या कहते हो? वे कुछ कह नहीं पाए, लेकिन इनकी ओर से पेत्रुस ने कहा, तुम मसीह हो, तुम ईश्वर के पुत्र हो। क्या पेत्रुस भली भांति जानता था कि प्रभु कौन है? शायद नहीं, क्योंकि पुराने व्यवस्थान में अगर हम देखें मसीह का मतलब क्या था, मसीह वह था जिसमें सब प्रकार का अधिकार था, लोगों के ऊपर वो अधिकार जता सकता था। यही एक मसीह था, जैसे बहुत बड़ा एम्परर हो। प्रभु क्या था? प्रभु इस प्रकार का मसीह था? शायद नहीं। आज के पहले पाठ में वहां पर बताया गया है कि वह एक सेवक है और इस सेवक को कई प्रकार की यातनाएं दी जाएगी, और वह लोगों पर अधिकार जताने के लिए नहीं बल्कि लोगों की सेवा करने के लिए आ रहा है। यह उनके शिष्यों को भी पसंद नहीं था। आपको मालूम है जब प्रभु पैर धोने के लिए आए थे, पेत्रुस ने नकारा था। उन्होंने कहा था कि आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सब प्रभु ने उसको बोला था, हट जा शैतान, तुम मेरे रास्ते को नहीं समझते हो। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का रास्ता क्या था? प्रभु का रास्ता था सेवा का। वह इस संसार में आया सेवा लेने के लिए नहीं बल्कि सेवा देने के लिए। यही उसका मूल मंत्र था, और इस प्रकार वह हम लोगों को बताना चाहता था कि अगर तुम मेरे सच्चे शिष्य बनना चाहते हो तो सेवा देने के लिए तैयार हो जाओ और यही सीखो। प्यारे भाई और बहनों, अक्सर हम जो कहते हैं एक दूसरों को जानते हैं, हम जानते नहीं हैं। जब हमारे मम्मी पापा हमारी सेवा करते हैं, हमारे शिक्षकगण हमारी सेवा करते हैं, हम उस सेवा को ज्यादा कुछ नहीं मानते, क्योंकि वो दे रहे हैं, हम वो सेवा ले रहे हैं। लेकिन अगर हम सही भली भांति उनको जानना चाहते हैं, हमारे अंदरूनी दिल के द्वारा हमें देखना पड़ेगा, तब हमें समझ में आएगा ये लोग अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं। अगर हम इतिहास में जाएं, कई ऐसे लोग हुए जो प्रभु के साथ चले। जैसे आपको मालूम है मदर तेरेसा, वो जब आई उन्होंने उन लोगों की सेवा की जिस जहां पर दूसरे लोग उनका सेवा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वे लोग असहाय थे, वे लोग छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी सेवा वो करने के लिए तैयार हो रही थी। महात्मा गांधी जब हमारे भारत देश में आए तो लोग सोच रहे थे कि वे भी अधिकार के साथ कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं कहा। वे आए और उन्होंने हमारे भारत देश को आजादी दी, लेकिन किस प्रकार? सेवा करके, प्यार करके, नफरत करके नहीं। और ये कई लोगों को पसंद नहीं था, जैसे हिटलर जैसे लोग थे। और आज भी इस संसार में ऐसे लोग हैं जो दूसरों पर अधिकार जताते हैं, उनको कष्ट देते हैं, सेवा करने का ढोंग रचाते हैं, लेकिन सेवा नहीं करते हैं। आपको और मुझे अगर प्रभु को जानना है, प्रभु का अनुसरण करना है, इस बात को मन में रखना होगा कि जब तक हम सेवा देने के लिए नहीं आते हैं और हमारे ही ओर से, चाहे हम घर परिवार में क्यों ना हो या कहीं और कहीं ना हो, वहां पर सेवा देने के लिए तैयार नहीं है, तो हम सचमुच प्रभु का अनुसरण नहीं करते और उनके हम सच्चे शिष्य नहीं बन सकते। तो आइए
इस बात के बारे में हम थोड़ा मनन चिंतन करें। जब हम सेवा देने के लिए तैयार होंगे तो सचमुच हम प्रभु को जान जाएंगे। प्रभु के बारे में नहीं, प्रभु के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। प्रभु के बारे में जानना और प्रभु को जानना, इसमें बहुत अंतर है। जब हम प्रभु को सचमुच जानते हैं, उनको हम मन मंदिर में हम ले लेते हैं, उनके समान जीने के लिए कोशिश करते हैं और उनके समान उनके जो मूल्य है उसके अनुसार मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो हम उनके सच्चे शिष्य बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह एक सुंदर मौका प्रभु ने हमें दिया गया है और इसीलिए प्रभु ने कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि आप मुझे सुन रहे हो। मैं और तुम मिलकर प्रभु के मूल्यों पर चलने के लिए कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।